खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चाहता हूं कि जिस तरह से डीएनए का सेटअप या हॉस्पिटल का यहां पर बनाया है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इससे सेवा मिलेगी और लोगों को ज़्यादा दूर तक अस्पताल के लिए नहीं जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जब आदमी बीमार होता है तो तुरंत जब उपचार की आवश्यकता होती है तो डीएनए हॉस्पिटल जैसी एक सारी सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध है, मैंने देखा हॉस्पिटल, तो लोगों को यह अच्छी सेवा मिलेगी। सर, कोरोना काल को लेकर लोग परेशान है, क्या डीएनए हॉस्पिटल में भी कंसेशन दिया जाएगा? नहीं, ऐसा है कि डीएनए हॉस्पिटल जिस तरह से चलाया जा रहा है, गवर्नमेंट के नियम के अनुसार जो कंसेशन होगा वो देना ही पड़ेगा, कोई भी हॉस्पिटल हो, डीएनए हो और कोई हो। सर, मुंबई में कहीं ना कहीं वैक्सीन की कमी बड़े पैमाने पर देखी जा रही है, ऐसे में क्या करेंगे? ऐसा है कि वैक्सीन आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से और से वैक्सीन दिया जाता है और स्टेट और महानगर पालिका वैक्सीन ले लेती है और लोगों को देती है। महानगर पालिका की ओर से वैक्सीन जहाँ जहाँ उपलब्ध होता है वहाँ वहाँ देने की कोशिश महापालिका कर रही है और मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर ये कोटा बढ़ाया तो ज़्यादा पैमाने पे हम लोगों को वैक्सीन देंगे। कल ही दिंडोशी में हमने 3,500 लोगों को 15 अगस्त के दिन फ्री में मुफ्त में वैक्सीन दिया। तो यहाँ के पालक मंत्री आदरणीय आदित्य ठाकरे जी ने जिसके प्रयास से ये हमने काम किया और मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के सारे वार्ड में इस तरह के कैंप देने की कोशिश हम कर रहे हैं। लेकिन देखा जा रहा है जहाँ पर पे वैक्सीनेशन है वहाँ पर वैक्सीन है, लेकिन जहाँ पर फ्री वैक्सीनेशन है वहाँ पर ही कमी देखी जा रही है। वैक्सीन देने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करता है और देने के इस सारी व्यवस्था में अगर कई लूपहोल्स है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ढूंढना चाहिए, आम जनता जो है उसको वैक्सीन मिलना चाहिए, ये मेरी मांग है। ये दिन बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा कि कुरार में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, जिस तरीके से मैंने अभी हॉस्पिटल देखा है, जिस तरीके से अरेंजमेंट है, मशीनरीज है, जिस तरीके से स्टाफ है, वो सब तारीफ़ का बिल है। इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं डीएनए के टोटल मैनेजमेंट टीम को। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप कि आपने इस जगह को क्यों चुना, इस हॉस्पिटल के लिए क्या परफेक्ट जगह थी और क्या कुछ तैयारी है आपकी हॉस्पिटल को लेकर, क्योंकि कोविड भी है तो कोविड के दौरान इस हॉस्पिटल की ओपनिंग आप कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो यह है कि वेस्टर्न सबब में रेलवे लाइन से जो डिवीजन हुआ उसके बाद वेस्ट में सारी सुविधाएं होती हैं, ईस्ट में कहीं पर भी कोई सुविधा नहीं है।
और ये पूरा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जोन पर एक भी आपको बड़ा हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, इसलिए हमने यहाँ के लोगों के लिए इस जगह का चुनाव किया है। हमारा जो दूसरा हॉस्पिटल है वो भी ईस्ट में है, तो इसलिए हम लोग ईस्ट में ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए सुविधा नहीं है। दूसरी बात रही कोविड की, तो कोविड में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डीएनए हॉस्पिटल को रेटिंग दिया था 4th पोजीशन पर, और हमसे ऊपर सिर्फ 3 हॉस्पिटल थे, वो तीनों गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे। ये कोविड में सबसे बड़ा आईसीयू मुंबई का 55 बेड्स हमने चलाया, और हमारे इस आईसीयू के शुरू होने का सबसे बड़ा परिणाम ये निकला कि जहां एक दिन का बिल 1,00,000 रुपये हो रहा था प्राइवेट हॉस्पिटल में, ये हॉस्पिटल हमने 15,000 पर डे पर शुरू किया, तो इमीडिएटली सारे हॉस्पिटल्स में जो बिलिंग थी वो कम घटकर 20-25,000 रुपये तक आ गई। इतना बड़ा आईसीयू शुरू करने के पीछे हमारा यही मकसद था कि मिडिल क्लास के लोगों को जो तकलीफ हो रही है, उनको जो प्रताड़ना हो रही है, उससे उनको बचाया जाए। ये हमारा 55 बेड का है, और हमारा एक हॉस्पिटल कांदिवली ईस्ट में है जो 35 बेड्स। सर आईसीयू की बात कीजिए तो आईसीयू, सर हमारे टोटल बेड पर आईसीयू फैसिलिटी है, पूरे 55 बेड पर आईसीयू फैसिलिटी है। जनरल वार्ड में भी एयर कंडीशन, मॉनिटर, ऑक्सीजन, वैक्यूम, सक्शन, एयर, सारी फैसिलिटी जनरल वार्ड में भी है, ट्विन शेयरिंग रूम में, डिलक्स रूम में और आईसीयू में भी। सर डॉक्टर कितने अवेलेबल हैं? सर डॉक्टर हमारे पास इस समय 30 से ज़्यादा हैं। इससे पहले तो हॉस्पिटल हम लोग कोविड के लिए ही काम किए थे, काम में कुछ बाकी था, वो कोविड का देश ख़त्म होने के बाद हम लोगों ने वो काम को कंप्लीट किया। अभी कोविड नहीं है, उसी हिसाब से अभी हम लोग नॉन कोविड का प्रिपरेशन किए हुए, क्योंकि वो टाइम पर हम लोग ऑपरेशन 3300 से रेडी नहीं थे। अभी सभी मशीन इंस्टॉल हो गए, अभी फुल फ्लैज अभी हॉस्पिटल ओपन हो सकती है, इसलिए अभी नॉन कोविड हम लोग स्टार्ट करें। हॉस्पिटल का ओपनिंग है, क्या संभावना देना चाहेंगे? डॉक्टर अंबिका और उनकी पूरी टीम, उनके एसोसिएट्स, उनके पार्टनर्स पठानवाड़ी एरिया में अच्छा हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिस्ट स्पेशलिटी हॉस्पिटल का आज इनॉग्रेशन हुआ है। मुझे खुशी है यहाँ के जो आसपास के इतना अच्छा हॉस्पिटल नहीं था, और अंबिका जी के प्रयत्न से और उनकी पूरी टीम निश्चित तौर पर इधर बहुत अच्छा लोगों को फैसिलिटी देंगे। मैं विश्वास करूंगा कि लोगों को ये हॉस्पिटल की पूरी टीम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सेवा दे, और जो भी आसपास के लोक प्रतिनिधि है वो लोक प्रतिनिधि भी डॉक्टर साहब के पूरी टीम से अच्छे एसोसिएट है। मुझे पता चला गजानन कीर्तिकर साहब आए थे, सुनील प्रभु जी आए थे, तो लोगों के साथ में इनका कनेक्ट भी बहुत अच्छा है, और निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में अंबिका जी और उनकी पूरी टीम बहुत अच्छा काम करेंगे। सर कोरोना काल में डीएनए हॉस्पिटल भी खुला है, सर हॉस्पिटल को आपके द्वारा कितना हेल्प मिल सकेगा? तो निश्चित तौर पर ये इलाके में लगभग हमारे 50 से 60,000 यूनियन के मेंबर्स हैं, और जो जिनको हेल्थ इश्यूज होंगे उनको निश्चित तौर पर ये हॉस्पिटल हमेशा वेलकम करेगा। इससे हटकर एक सवाल जानना चाहूँगा कि पूरे मुंबई में कहीं ना कहीं वैक्सीन की किल्लत बड़े पैमाने पर, ऐसे में जिम्मेदार किसे मानते हैं? प्रशासन, मुंबई महानगर पालिका, अगर हम मुंबई की बात करें तो ये जगह नहीं है ये बोलने की, मगर ककाने साहब जो है, जो हेल्थ को मैनेज करते कोरोना के, वो वॉर रूम के चीफ है। पेड वैक्सीन सब जगह अवेलेबल है, मगर जहाँ फ्री की बात आती है उधर अवेलेबल नहीं है, वेबसाइट पर वो दिखता नहीं है। तो ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है, और इस पर मैं 1-2-3 दिन में बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ने वाला हूँ।